नमस्कार, एयरलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। दो सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं और इस वक्त हम कुशेश्वर स्थान यानी कि बाबा कुशेश्वर की धरती पर मौजूद हैं और हम एक तस्वीरें देखेंगे। एक बस्ती है, उस बस्ती में है, लेकिन ख़ास बात तो जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो नेता हैं वो घर घर घूमकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं और खाना उना भी खाया हमने। कई तस्वीरें आपको देख रहे होंगे। आप राजू तिवारी हैं, आप लगातार बस्तियों में घूम रहे हैं, खाना भी खाया आपने, क्या रिस्पांस मिल रहा है? अब बताइए ना, रिस्पांस ये है कि यहाँ हम लोग खाना नहीं खाए तो तुरंत खाना बन गया। क्या क्या मिला? रोटी सब्जी मिलेगा और कैसे, बढ़िया। आज मंगलवार दिन है, रोटी सब्जी मिला, भूख लगी थी और लोगों का आशीर्वाद के रूप में आप पता करिए, घूम के एकदम आशीर्वाद है चिराग पासवान जी को। जिस हिसाब से चिराग पासवान जी के साथ नीतीश कुमार अपना बदले की राजनीति कर रहे हैं उस हिसाब से जनता में आक्रोश है। आप देखेंगे वहाँ से आए होंगे यहाँ तक कि रोड की हालत, हम तो यहाँ के लोग से बातचीत के क्रम में मतलब ये महसूस किए हैं कि जदयू के जो भी इतने मंत्री विधायक इधर आ रहे हैं यहाँ के लोग कैसे आने देते हैं। आप देखे होंगे रास्ते की हालत, आप इतना विकास पुरुष की बात करते हैं, आकर पैदल घूम दे जरा इधर तो 15-20-25 किलोमीटर के एरिया में एक जगह भी रास्ता अगर बना हो तो मैं राजनीति नहीं करूँगा। तो नीतीश कुमार का सिर्फ खोखलापन है, सिर्फ पटना में बैठ करके विकास करते हैं। अब आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा दोनों के दोनों सीट वो हारेंगे, हम लोग जीतेंगे। एक सवाल है, आप बैठकर खाना खा रहे थे, हम देखे, लोग कहते हैं कि नेताओं का आलीशान लाइफ होता है, बस ये झोपड़ी में बैठकर आपने खाना खाया। नहीं, हम लोग का देखिए शुरू से ही अपना, हम लोग के नेता के साथ हम लोग जो हम जिससे हम लोग राजनीति सीखे हैं ककारा आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो अब हम लोग बीच नहीं रहे, वो रास्ते में देसी चीज़ खाना पसंद करते थे, हम लोग भी उन्हीं के चेला हैं। हम लोग घूमते हैं, घामते रहते हैं, किसी के घर 2 मिनट रुके, 10 मिनट रुके तो लोगों को कुछ खिलाइए तो लोग खिलाता है। भूख लग गया वहीं पे लोग, हाँ एकदम, हम लोग वही करते हैं। और जहाँ वहीं रात हो गई वहाँ सो भी जाइए, मच्छरदानी लग जाएगी फर्स्ट क्लास, आराम से सो जाइए। बिल्कुल, कई और भी लोग हैं, संजय पासवान जी हैं, आप भी खाना खा रहे थे, हम देखे, कैसा लगा खाना? देखिए ये तो गांव की मिट्टी है, हम लोग गांव में ही पैदा लिए हैं, तो खाना तो बहुत अच्छा लगा, बल्कि इन लोगों का प्यार स्नेह जो मिल रहा है, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को जो आशीर्वाद लोग दे रहे हैं, ये सबसे अच्छा लग रहा है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी की हार होगी और दोनों विधानसभा में हार तय है। आप देखें कि सड़क का क्या हालत है, कैसे लोग जीवन बसर कर रहे हैं इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। विकास पुरुष 15 साल से क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं किए लोग। अब जमीनी हकीकत को देखिए, जनता इस बार पूरी तरह से नकार देगी। आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के फैसला लेने से 73-43 आए हैं, ये 2 सीट भी हारेंगे। चिराग पासवान जी का जो उम्मीदवार है उनसे दोनों सीट जदयू हारेगी और बुरी तरह हारेगी। बिल्कुल एकदम संभव है कि बुढ़िए की जनता तय कर चुकी है कि नीतीश कुमार की उम्मीदवार को हरा देना है। चलिए, कुशेश्वर, बाबा कुशेश्वर की धरती है, यहाँ कुछ बुजुर्ग भी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। बाबा क्या हाल है? ठीक है। क्या माहौल है? माहौल है आज बाहर ना, हेलीकॉप्टर छाप है। क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर पासवान है। अच्छा, सिकंदर पासवान जी। हाँ, चिराग पासवान क्या लगता है? अच्छा दिखेगा, अच्छा घूम रहे हैं पूरा। हाँ घूम रहे हैं पूरा, अच्छा आदमी है। हम लोग उन्हीं का वोट देंगे जी। पासवान वोट मिलेगा उनको? हाँ खूब मिलेगा, यहाँ को पूरे पासवान की वोट उनको मिलेगा। जिताएंगे जी, मन बना लिए हैं? हाँ हाँ, पूरे मन बनाया हुआ है, जहाज छाप में हम लोग देंगे। पिछला बार कहाँ दिए थे वोट? इसी को दिए थे, पासवान जी के। हाँ हाँ, पिछला बार हार गए थे जिसमें, उसमें भी हम लोग झोपड़ी छाप में। अच्छा, और भी लोग आते हैं, और भी नेता आते हैं, क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं, लेकिन हम लोग जो है इनको ऊपर मूड बना लिए हैं। हाँ। जो चिराग पासवान को वोट देंगे, मूड बना लिए जी। तो ये तस्वीर हम आपको और जगह, अलग अलग जगहों पर जाकर दिखाएंगे। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के। क्या नाम हुआ? मिथिलेश कुमार प्रधान। क्या माहौल है, राजनीतिक माहौल क्या है? माहौल ठीक है। क्या ठीक, क्या किसको वोट देंगे? जहाज छाप को देंगे। जहाज छाप को? जहाज छाप थोड़ी है, किनकी बात कर रहे हैं आप? ये
रामविलास हेलीकॉप्टर छाप। हेलीकॉप्टर छाप है। अच्छा हेलीकॉप्टर छाप को देंगे, काहे देंगे? ये रामविलास का हम लोग पुराना कैडर है। अच्छा, रामविलास पासवान जी से सब दिन उसी पार्टी में हम लोग थे। उम्मीद है जी, चिराग से उम्मीद है जी। अच्छा, ये सड़क का क्या हाल है? सड़क का ये कभी कोई किसी ने नहीं बनवाया? नहीं, सड़क तो बाढ़ आता है, ऐसे होता है हर साल। हाँ। खराब होता है, बनता है, मतलब हर साल बाढ़ आने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। हाँ। क्या नाम है? लाला मुखिया। लाला मुखिया? लाला मुखिया, क्या हाल है? ठीक है। क्या वोट वोट किसको देंगे? तने सब बाप होते थे, तने देवे हमें यार की। सब बाप होते थे, दे देबो। मतलब कुछ तय कर ले हो ना? वही तो ठीक है, रहते अनुका तने सब रहते तने ही रहे की। एक पंचायत सब छिए, एक पंचायत। तो कुछ लोग कहले की चिराग पासवान के देबे। हां, हमहु आर तो नहीं छिए की। हां, उन्हीं छिए, मूड बना ले छिए पूरा पूरा एकदम। अच्छा लगे छे चिराग पासवान घूमे के पूरा। चलिए, तो ये तस्वीर, लोगों से बातचीत किया हमने, आपको कुछ अंश सुनाया, और भी हम बाबा कुशेश्वर की धरती पर अलग अलग जगहों पर जाएंगे, आपको ज़मीनी सर्वे क्या है, ज़मीनी रिपोर्ट क्या है, उससे अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए बने हेडलाइंस बिहार के साथ। नमस्कार।